दिन बागली थाने परिसर में पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर सोलंकी ने बागली थाने पहुंचकर वृक्षारोपण कर पर्यावरण को बचाने का संकल्प किया, साथ ही थाने का निरीक्षण किया, थाने के सौंदर्यीकरण, साफ सफाई की व्यवस्था को देखी। वहीं फरियादी के लिए पानी की व्यवस्था रखना, अच्छा व्यवहार करना, वृद्धजनों, महिलाओं, बच्चों के प्रति संवेदनशील व्यवहार रखना, स्कूली बच्चों से संवाद करने, ग्रामों के लोगों के साथ संवाद के निर्देश दिए। साथ ही बागली थाने के SDOP SS सोदिया, बागली थाने प्रभारी अमित सोनी के साथ पूरा स्टाफ मौजूद था। बागली में हुई तेज बारिश के कारण गुनेरी नदी उफान पर आ गई है, जिससे बागली का चौपड़ा मार्ग बंद हो गया। इससे यातायात भी काफी बंधित हुआ है। इसी के चलते नदी के दोनों तरफ वाहनों की लंबी लाइन लग चुकी है। नदी में आए इतने पानी को देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ भी वहां जुट चुकी है। वहीं इन सब में प्रशासन की लापरवाही भी देखने को मिली, जब नदी में से बच्चे, महिलाएं सहित अपनी जान जोखिम में डालकर निकल रहे थे। वहीं प्रशासन ने इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, जो कि किसी भी दिन बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है।